एक दफ्तर में काम करती थी। मेरी शादी 3 साल पहले मोहित के साथ हुई थी। मोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर मोहित को कंपनी के काम से अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। घर में रहते हुए भी वह मुझ पर कम ही ध्यान दे पाता था। यूं तो मैं एक अच्छी बीवी थी, पर मोहित का बार बार शहर से बाहर जाना मुझे पसंद नहीं था। मोहित का सपाट रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं तो एक ऐसे पति का सपना लेकर आई थी जो मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटता रहे, लेकिन मोहित हमेशा अपने काम में लगा रहता था। एक दिन मैं ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि तभी मेरी नज़र एक युवक पर पड़ी। वह लंबा गोरा और गहरे बदन वाला नौजवान था। मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई। शायद वह मेरे सपनों के राजकुमार सरीखा था। वह मेरे ऑफिस में काम करने आया था। कुछ देर बाद हमारे मैनेजर ने पूरे स्टाफ को अपनी केबिन में बुलाकर उस युवक से मिलवाया। उसका नाम विशाल था। मुझको विशाल से मिलवाते हुए मैनेजर ने कहा, विशाल यह है हमारी कलर महक, और महक ये है हमारे ऑफिस के नए कर्मचारी विशाल। मैंने एक बार फिर विशाल को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्करा दी। ऑफिस में विशाल का आना मेरी जिंदगी में भूचाल लाने जैसा था। मैं घर जाकर विशाल के सपनों में खो गई। दिन में हुई मुलाकात को भूलना मेरे बस में नहीं था। विशाल और मैं हम उम्र थे। मेरे मन में उधेर बुन चल रही थी। मुझे लग रहा था कि काश विशाल मेरी जिंदगी में 3 साल पहले आया होता। अगले दिन विशाल समय से पहले ऑफिस पहुंच गया। वह अपनी सीट पर बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी मैंने अंदर कदम रखा। विशाल को सामने देख मैंने उससे पूछा, कैसे हैं आप, इस शहर में पहला दिन कैसा रहा? विशाल ने सहज होकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, पहला दिन तो अच्छा ही रहा, आप कैसी हैं? मैंने चहकते हुए कहा, खुद ही देख लो, एकदम ठीक हूँ। इसके बाद मैं लगातार विशाल के करीब आने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे विशाल भी खुलने लगा। हम दोनों ऑफिस में हंसते बोलते रहते थे। हालांकि ऑफिस के दूसरे लोग हमारी इस बढ़ती दोस्ती से अंदर ही अंदर जलते थे। वे पीठ पीछे जली कटी बातें भी करने लगे थे। मेरे जन्मदिन पर विशाल ने मुझे एक बढ़िया सा तोहफा दिया और कैंटीन में ले जाकर लंच भी कराया। मैं एक नई कशिश का एहसास कर रही थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। विशाल और मेरी दोस्ती गहरी होती गई। मैं शादीशुदा हूँ, विशाल यह बात बखूबी जानता था। वह अपनी सीमाओं को भी जानता था। उसे तो एक अजनबी शहर में कोई अपना मिल गया था जिसके साथ वह अपने सुख दुख की बातें कर सकता था। विशाल की माँ ने कई अच्छे रिश्तों की बात अपने खत में लिखी थी, मगर वह जल्द शादी करने के मूड में नहीं था। अभी तो उसकी नौकरी लगे केवल 10 महीने ही हुए थे। वह मेरे साथ पक्की दोस्ती निभा रहा था, लेकिन मैं इस दोस्ती का कुछ और ही मतलब लगा रही थी। मुझको लगने लगा था कि विशाल मुझे प्यार करने लगा है। मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। मैं अपने मेकअप और कपड़ों पर भी ज्यादा ध्यान देने लगी थी। मुझ पर विशाल का नशा छाने लगा था। मैं मोहित का वजूद भूलती जा रही थी। विशाल हमेशा मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। वह मेरी हर बात की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। यही तो मैं चाहती थी, मुझे अपना सपना सच होता दिखाई दे रहा था। एक दिन मैंने विशाल को डिनर पर अपने घर बुलाया। विशाल सही समय पर मेरे घर पहुंच गया। नीली जींस और सफेद शर्ट में वह बेहद सजीला लग रहा था। उधर मैं भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने नीले रंग की बनारसी साड़ी बांध रखी थी जो मेरे गोरे बा हसीन बदन पर खूब फब रही थी। विशाल के दरवाजे की घंटी बजाते ही मेरी आंखें खिल उठी। मैंने मीठी मुस्कान बिखेरते हुए दरवाजा खोला और उसे भी बुलाया और ड्राइंग रूम में बैठा दिया। विशाल इधर उधर देख रहा था कि तभी मैं चाय लेकर आई। महक, मोहित जी कहाँ है, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, विशाल ने पूछा। मैं चीख कर बोली, वे कंपनी के काम से हफ्ते भर के लिए कानपुर गए हैं, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं रहती। मैं अकेली दीवारों से बातें करती रहती हूँ। खैर छोड़ो, चाय ठंडी हो रही है। विशाल को लगा कि उसने मेरी किसी दुखती रंग पर हाथ रख दिया हो। बातों बातों में चाय कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। मुझको लग रहा था कि विशाल ने आकर कुछ हद तक मेरी तन्हाई दूर की है। विशाल कितना अच्छा है, बात बात पर हंसता मुस्कुराता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। तभी विशाल ने टोकते हुए पूछा, महक कहाँ खो गई तुम? अरे कहीं नहीं, सोच रही थी कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। विशाल ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, बस यही राजमा पुलाव, रायता पराठे और मूंग का हलवा, बाकी जो आप खिलाएंगे वही खा लेंगे। क्या बात है, आज तो मेरी पसंद
पसंद हम दोनों की पसंद बन गई है, मैंने खुश होते हुए कहा। मैं विशाल को डाइनिंग टेबल पर ले गई, हम दोनों आमने सामने जा बैठे। खाते हुए बीच बीच में विशाल कोई चुटकुला सुना देता तो मैं खुलकर ठहाका लगा देती। माहौल खुशनुमा हो गया था, काश सब दिन ऐसे ही होते, मैं ऐसा सोच रही थी। विशाल ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह क्या खाना बनाया है, मैं तो उंगली चाटता रह गया। तुम इसी तरह खाना खिलाती रहो तो मैं जरूर मोटा हो जाऊंगा। शुक्रिया जनाब, और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है, कहते हुए मैंने विशाल पर सवालिया निगाह डाली। अरे आप तो कयामत हैं कयामत, कहीं मेरी नजर ना लग जाए आपको, विशाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। विशाल की बात सुनकर मैं झूम उठी, मेरी आंखों में डोरे लाल होने लगे थे। मैं रोमांटिक अंदाज में अपनी कुर्सी से उठी और विशाल के पास जाकर स्टाइल में कहने लगी, विशाल आज मौसम कितना हसीन है, बाहर बूंदों की रिमझिम हो रही है और यहाँ हमारी बातों की। चलो एक कदम और आगे बढ़ाएं, क्यों ना प्यार मोहब्बत की बातें करें। इतना कहकर मैंने अपनी गोरी गोरी बाहें विशाल के गले में डाल दी। विशाल मेरा इरादा समझ गया, एक बार तो उसके कदम लड़खड़ाए मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया और मुझको अपने से अलग करता हुआ बोला, महक आप क्या कर रही हैं, क्यों अपनी जिंदगी पर दाग लगाने पर तुली हैं, पल भर की मौज मस्ती आपको तबाह कर देगी, अपने जज्बातों पर काबू रखिए। मैं आपका दोस्त हूँ, अंधी राहों पर ढकेलने वाला हवस का गुलाम नहीं, आप अपनी खुशियाँ मोहित जी में तलाश लें, आपके इस रूप पर उन्हीं का हक है, उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर विशाल तेज कदमों से बाहर निकल गया, मैं ठगी सी उसे देखती रह गई। मुझे अपने किए पर अफसोस हो रहा था, मैं सोचने लगी मैं क्यों इतनी कमजोर हो गई, क्यों विशाल को अपना सब कुछ मान बैठी, क्यों इस कदर उतावली हो गई। अगर विशाल ने मुझे ना रोका होता तो आज मैं कहीं की ना रहती, बाद में वह मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता था, मगर वह ऐसा नहीं है, उसने मुझे भटकने से रोक लिया, मुझे उसकी दोस्ती पर नाज है, आज उसने मुझे एक गहरी खाई में गिरने से बचा लिया। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और यह कहानी अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।